नमस्कार सकल बड़ खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान रो हेडलाइंस रो बहुचर्चित कैमरामैन मानस स्वाई हत्या मामला रे शर्मिष्ठा को झटका अगुआ जमीन खारज कले हाईकोर्ट 302 दफा रे मामला रुजु करी तदंत करुछि पुलिस डाक्टर रमेश स्वाई गिरफ मामला ड्राइवर चित्तरंजन पटनायक को 5 दिनिया रिमांड रे नेप कमिश्नरेट पुलिस क्राइम सिंडिकेट रो मुख्य थिला चित्तरंजन काली आसी पारे रमेश रो पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट विजिलेंस सेल रे सरकारी बाबू आयर बहिर्भूत संपत्ति छुला अभियोग रे सहकारी जंत्री को घरे रेड आनंदपुर बैतरणी जलसेचन डिविजन सहकारी जंत्री को घरे चली चढ़ाऊ उमेश सासनी को घर समेत 8 स्थान रे रेड चाष गोविंदपुर बनांचल अघटन हाथी घोड़ाइवा बेले वन्य कर्मचारी को दलितला हाथी आक्रमण में वन्य कर्मचारी चंद्रकांत राउत को मृत्यु विधायक प्रशांत जगदेव गाड़ी चढ़ा मामला प्रशांत चलाउथिबा गाड़ी नंबर और एफआईआर रे थिबा गाड़ी नंबर रे नाही तालमेल विवाद रे कृषि मंत्री अरुण साहू प्रशांत को सुरक्षा षड्यंत्र पचरे नेता ना प्रशासन केबे कार्यानुष्ठान जोरदार आक्रमण कीप्रे राति सारा बोमामाड़ शॉपिंग सेंटर उपरे आक्रमण आठ मृत पुणी कर्फ्यू जारी एवं आज हेउछि विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मार्च 22 को विश्व जल दिवस भावे पालन करा जाए स्वच्छ एवं सुरक्षित जल उपलब्ध कराइबा सह जल संरक्षण महत्व तथा आवश्यकता विषय रे जन सचेतनता सृष्टि करिबा ए दिवस बुलेटिन आरंभ करिबा सकाळ रो बड़ खबर रु बहुचर्चित कैमरामैन मानस स्वाई हत्या मामला मास्टरमाइंड शर्मिष्ठा राउत को आगुआ जमीन खारज कले हाईकोर्ट चांदबाली थाना रे मानस स्वाई को निखोज नहीं परिवार पक्षर फेब्रुआरी 14 तारीख में अभियोग करा चांदबाली थाना पुलिस आईपीसी रो दफा 363 और 34 दफा रे मामला रुजु करिथिला चांदबाली थाना रे केस नंबर 63/2022 मामला रे संभाव्य गिरफ्तारी को एडाइबा पई फेब्रुआरी 23 तारीख रे शर्मिष्ठा हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करथिले गत 16 तारीख रे मामला रो शुणाणी करी हाईकोर्ट आगुआ जमीन आवेदन को खारज कर दैछंती तबे परवर्ती समय रे एहा हत्याकांड रो रूप नै सारिछि पुलिस मध्ये आईपीसी रो 302 दफा रे मामला रुजु करिछि हत्याकांड मामला रे शर्मिष्ठा को आगुआ जमीन आवेदन रे प्रार्थना नथिबा स्पष्ट होइछि कटक प्रतिनिधि विश्वजीत दास आम सहित सीधासख जोड़ विश्वजीत बहुचर्चित कैमरा पर्सन मानस स्वाई हत्या घटना रे नुआ ट्विस्ट आसुची विभिन्न समय रे सबु भितरे जेतेबेले आगुआ जमीन आवेदन करा देतला शर्मिष्ठा को पक्षरु ताकु मध्ये हाईकोर्ट खारज कर देछन्ते पटे शर्मिष्ठा एबे भी फेरार निश्चित भाव देखु बहुचर्चित मानस स्वाई हत्या घटना रे जे मास्टर माइंड कहु शर्मिष्ठा राउत से हाईकोर्ट द्वारस्थ होते और आगुआ जमीन अपील करते जार मामला शुणाणी करी हाईकोर्ट आगे खारज करेतु ये गुरुत्वपूर्ण केस गुरुत्वर सहित हाईकोर्ट जेहेतु सी कह मास्टर माइंड जे शर्मिष्ठा राउत रही तेणु से हाईकोर्ट आगे खारज कर जानते पर लोक मानस स्वाई पर लोक फेब्रुआरी 14 तारिख में एक निखोज को लेकिन मानस निखोज को नहीं चांदवाली थाना एक मामला रुजु करते परवर्त अवस्था खोजाखोजी आरंभ कर पुलिस पक्षर मामला रुजु करमी कहते आप 363 और 34 दफार मामला प्रथम रुजु करगला परवर्त अवस्था जो खोलताड़ कराला जमापड़ा कि यह गोटे हत्याकांड घटना तेनाली परवर्त अवस्था 302
दफा लगता है। पुलिस एवं भी तदन कर गत काली एसपी जी भद्रक एसपी अतिरिक्त एसपी सी कहते शर्मिष्ठा को एवं भी खोजाखोजी चली भितर एवं नुआ खबर आसूसी कि शर्मिष्ठा जो जमीन खारज कर हाइकोर्ट्रु से आगुआ जमीन पर कौटना कौट गिरफ्तारी भय रही शर्मिष्ठा पाखे से आगुआ जमीन पर हाइकोर्ट द्वारा होते हैं हाइकोर्ट खारज कर जानते 14 तारीख टू निखोज होते कि फेब्रुआरी 23 तारीख से जमीन पर हाइकोर्ट द्वारा होते चलित 16 तारीख में मामलार शुणी कराई हाइकोर्ट में शुणा कर शर्मिष्ठा जो जमीन रही आवेदन को खारज कर जमीन दि जाए जहाँ एवं स्पष्ट सूचना मिलू जमीन मिली ना विश्वजित विश्वजित गोटे कथा होदि शर्मिष्ठा कौन दोष ना कौन संप्रति ना जे कहीं आगो आवेदन कर विशेषकर बड़ मुंड गत गिरफ्त हो सारी निरंजन सेट्टी कथा सामना को आसला विश्वजित देखा जाए सोशल मीडिया एमती अनेक फोटो सामना को आसला अनेक बड़ बड़ नेता मंत्री सहित शर्मिष्ठा फोटो रही सब बड़ प्रश्न जे जड़े जदि किसी भूल करनी जड़े जदि दोषी नुहे कहीं से आगुआ जमीन आवेदन करें हाइकोर्ट भी कौन प्रकार साथ देना शर्मिष्ठा खारज कर दे गुरुत्वपूर्ण कथा पचारे कि जदि शर्मिष्ठा कौन भूल ना तो आगुआ जमीन कौन पर कले आ गोटे बड़ कथा से एपर्तंत कौन पर फेरार अच्छा निश्चित भाव में कौटना कौटी शर्मिष्ठा सीधा सड़क कहु मुख्य षड़ी और सीए ही मास्टर माइंड मानस हत्या घटना रे सेतिपाई से पर्यंत फेरार अच्छा और आगुआ जमीन पर हाइकोर्ट द्वारा होते तेणु एथु जमापड़ी एकाधिक लोकर ए संपुक्ति रही शर्मिष्ठा राउत होती मुख्य शर्मिष्ठा राउत से जमीन आवेदन करते जेहेतु गोटे भय था जो पुलिस डाक पचराउचरा करना कौटी परवर्त अवस्था गिरफ्त करें तेणु सी गत फेब्रुआरी 23 तारीख से हाइकोर्ट द्वारस्थ होते तार शुणी कराइला और आवेदन को खारज कर जमीन दि जाए ना निश्चित भाव में देखो जो भी कहते बड़ बड़ माछ जड़े पूर्वतन ओएस ओआईएस अफिसर को जो संप्रति आसो गिरफ्त कर निश्चित भाव में कौटना कौटी ए बड़ लोक हाथ रही जहाँ फल एत दिन धरी पुलिस कौटना कौटी शर्मिष्ठा खोजा को विफल है शर्मिष्ठा फेरार अच्छा कौटना कौटी से प्रचेषा करगुआ जमीन से हाइकोर्ट द्वारस्थ होते हैं हाइकोर्ट आगे हृदयंगम कर हत्या घटना ये एक षड़ कर मुख्य आसामी होती शर्मिष्ठा से जमीन दि जाए ना निहांती विश्वजित जे हाइकोर्ट झटका देखते शर्मिष्ठा को जितेबाला से आगुआ आवेदन करते जमीन पाई किंतु ताको खारज कर दिया जाए गोटे बड़ झटका शर्मिष्ठा को निहांती आशा करवा खूब शीघ्र शर्मिष्ठा निकट में पुलिस पहुंचे कहीं बड़ बड़ माछ धरा पड़गले एवं शर्मिष्ठा पाली तेज अपेक्षा रहा जो पुलिस केवे शर्मिष्ठा निकट में पहुंचुचे बड़े हाइकोर्ट भी हाथ छाड़ देते बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित दास प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी खबर बाबद अधिक आलोचना करुते परवर्ती खबर को आसवा नकली डाक्टर रमेश स्वाई गिरफ मामला ड्राइवर चित्तरंजन पट्टनायक को 5 दिनिया रिमांड में नेब कमिश्नरेट पुलिस रमेश स्वाई क्राइम सिंडिकेट मुख्य थिला ड्राइवर चित्तरंजन उर्फ पप्पू पप्पू को पचराउचरा परे अनेक सत्य सामना को आसी परिबो सेपटे आसंता काली आसी परे रमेश स्वाई पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट अधिक आलोचना करवा संतोष जेना आम प्रतिनिधि फोनलाइन जोगे आम सहित जोड़ संतोष नकली डाक्टर रमेश स्वाई मामलें ड्राइवर जी रही चित्तरंजन पट्टनायक 5 दिनिया रिमांड रे कमिश्नर पुलिस आणव किसी तथ्य सामना को आसव किसी खुलासा हम यह आशा करे संतोष देखो तो चित्तरंजन पट्टनायक जे रमेश ड्राइवर रही क्राइम सिंडिकेट रो मुख्य थे गोटे पर गोटे युवती महिला को विवाह करवा ठकवा इंपाई तो गोटे विश्वास जन्मवा भरोसा जन्मवा गोटे मुख्य दायित्व था ये सबू काम चित्तरंजन लग पड़ा परवर्त मुहूर्त में बहुत हो सारा पैसा लेनदेन और किभली भाव में टा लुट कर प्लानिंग किए क्या दब कौन प्लानिंग पक पूरा योजना प्रस्तुत केमती कर सबू विशेष भाव में चित्तर पट्टनायक सब हाथ था रमेश को जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराइला रमेश आसंता का रमेश पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट आसपी पाखापाखि 70 प्रश्न सतमिछ परीक्षार परीक्षा देखिए रमेश परवर्त मुहूर्त में पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट आसे कमिश्नर पुलिस आज तदंत आग को बढ़ेब रमेश जो जो कथा कही चित्तरंजन को रिमांड आसा पर चित्तरंजन से सामान कथा कहि ना ना दुज कथार तालमेल रोनी ना रमेश किसी कथ लुचेई ना अंपटे चित्तरंजन पुलिस को कथ लुचेब भावुची कथा स्पष्ट हम विशेष भाव में चित्तरंजन को 7 दिनिया रिमांड आवेदन कराई किंतु
କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସତ ସବୁ ଅଗାଳିବ ପୋଲିସ ଏବଂ ରମେଶ ସହିତ କଥା ଏବଂ ରମେଶ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ପୋଲିସ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ପୋଲିସ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରମେଶର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଶା କରୁଛି। ଏଇଟା ସନ୍ତୋଷ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା ଯେ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲା। ମନେକର ଏଭଳି କିଛି ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ରମେଶ କେତୋଟି ବାହା ହେଇଛି, ରମେଶ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଅନେକ ବାହା ହେଇଛି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ମନେ ପରେ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବାହା ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କେବେ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଛି କହୁଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ସତ କଥା ଭିତରେ ପୋଲିସକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ରମେଶ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ସତମିଛ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ରମେଶ ଏ ଘଟଣା ମିଛ କହୁଥାଇ ପାରେ, ରମେଶ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଲୁଚଉଥାଇ ପାରେ ଏବଂ ରମେଶ ଲୁଟିଥିବା ଟଙ୍କା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିବ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ, କାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ ଏବଂ ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଯୁବତୀ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକିବା, ଡାକ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଲୁଟିବା, ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କାହା ଇଙ୍ଗିତ ହିସାବରେ କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ରମେଶ ସତମିଛ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକର ନାଁ ନେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାର ରିପୋର୍ଟ କଣ ଅଛି ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରିମାଣ୍ଡର ଆସିବା ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ରମେଶ ରିମାଣ୍ଡର ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏ ସବୁକୁ ମିଶି ସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେ ପୁରା ମାମଲା କଣ। ନିବେଦିତା ନିହାନ୍ତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଏପଟେ ପଲିଗ୍ରାଫ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏତ କିଛି କଥା ଉପରୁ ସତ ପ୍ରଦା ହଟିପାରିବ ଏବଂ ସତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଲେ। ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ମାମଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି କି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ କରିଛି ନା କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD25K5775 ଯାହାକି ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD02AYE5775 ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସତ ଗାଡ଼ି ମିଛ ଗାଡ଼ି ବିବାଦ, ଆଉ ତାପରେ ବିଧାୟକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଏପରି ତଦନ୍ତକୁ ବାହୁବଳିଙ୍କ ଫାଇଦାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଡି ନମ୍ବରରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି, ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଅନେକ ମିଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଣ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦା, ଯେଉଁ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରାକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ, ବିଧାୟକ ନିଜେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ିଟି, ଯାହାର ନମ୍ବର ରହିଥିଲା OD25K5775। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଣପୁର ଥାନାର SI ଅଛନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଣେଶ ଜଗତିକୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା ଯେଉଁ IG କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IG ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେବସ୍ମିତା SI FIR ଦେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା OD02AY5775। ସେ ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡାଇର କ୍ରେଟା କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ରହିଥିଲା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଡିସ୍କଭର ଗାଡ଼ି। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନା କୌଣସି ବାହୁବଳି ନେତା
शासक दल नेता हाथ अच्छी प्रथम सुधा संपुक्ति जमापड़ ना कि कौटि ना कौटि ए शासक दल विधायक को सुरक्षा देवे गोटे पटे प्रशासन पुलिस और शासक दल नेता मैंने अंटा भिड़ी किभली भाव गाड़ी नंबर टी चेज कर जानीशु चेज कर ना आ प्रसद पटे पुलिस को कहूर फोन आसी निश्चित तदंत सापेक्ष अंपटे विधायक एजावत गिरफ होना विधायक चिकित्साधीन आल मेडिकल अच्छा पूर्व घटना देखा जितने चिलिकार जो मंडल सभापति निरंजन सेठी को आक्रमण हाईकोर्ट जमीन को नामंजूर करपर ताक गिरफ्त कराइला कितु क्षणी से चिकित्सा कैपिटल हॉस्पिटल रही थे आ हाईकोर्ट जमीन पाई पुणी निज निर्वाचन नहीं निजर दबदबा प्रकाश करते अंपटे जो भाई घटना लोम टाकुरा घटना बाणपुर ब्लॉक सम्मुखें घटी अनेक लोक आहत होती गुरुतर आहत होते पुलिस कर्मचारी अच्छा पुलिस कर्मचारी जो एसआई रही थे देवस्मिता एतला क्रमे मामला टी रुजु कराइला 113/22 एतला रुजु कराइला विधायक को गिरफ्त करने आईजी सूचना देते कि कौटना कौटी जो गाड़ी नंबर टी दुईट तालमेल रही घटना घटे गाड़ी रोज रेंज रोवर डिस्कवरी गाड़ी कितु एतला रही क्रेटा कंपनी गाड़ी OD02AY5775 अंपटे पुलिस को कहा इंगित चापर जेहेतु जो रेंज रोवर डिस्कवरी गाड़ी रही नयागढ़ एक जैनिक ठिकादार ना गाड़ी रही सी हूँ अरुण जो अरुण साहू होती नयागढ़ विधायक तर रईट हाँ इंगित कथा निश्चित होता बोले जहाँ प्राथमिक सूचना जमापड़ी अरुण साहू ये संपृक्त रही अंपटे पुलिस और प्रशासन जे प्रशांत जगदेव को सुरक्षा देवाई गाड़ी नंबर टी चेज कर पुलिस एसपी आज मुझे जोजोग करी सूचना ने चेषा करी निश्चित अंपे पुलिस प्रशासन कहतु आ शासक दल नेता मैंने विधायक को कौटना कौटी सुरक्षा देवार अंटा भिड़ी कि अंपक्षे अनेक घटना तक ना रही अनेक एफआईआर रही अनेक केस्रे मुद्रा रही कि बर्तमान सुधा गिरफ्तार करना बाणपुर ब्लॉक रे जो घटना घटाला वर्तमान सुधा भी घर हॉस्पिटल रे चिकित्सालय रे गणेश जगदेव रही गिरफ्त करना कौटना कौटी शासक दल कथा कहतु पुलिस प्रशासन समस्त अंटा भिड़ी कि विधायक को सुरक्षा दिजाव निवेदिता किंतु संग्राम आउ गोटे कथा होची जे विधायक आत्मरक्षा पाई जीवन विकल रे गाड़ी चढ़ाई दिखाई एक कथा मध्ये कुआ जाउची तनो कोटना कोटी समस्ते पूरा लागी पड़ी प्रशासन नेता जे केमती तांको रिलैक्सेशन मिलिबो तांको केमती सुरक्षा मिलिबो तांको केमती सुरक्षा दिया जिबो किंतु दृढ़ एक्शन हबनी पूरा समस्ते चेष्टा लागी पड़ी जहाँ एक कथार चित्र सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम होता खोर्धा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी खबर बाबद अधिक आलोचना करुथिले फेल मारी राज्य सरकार को जीवन बिंदु कार्यक्रम जाजपुर मुख्य चिकित्सालय रक्त भंडारे नहीं रक्त दीर्घ मास धरी जीवन बिंदु कार्यक्रम बंद था बेले जाजपुर जिले में यार प्रतिफलन देखा मिली रक्त नतसंत होती रोगी तेरे ब्लड बैंक अधिकारी कहते जे रक्त देव सी रक्त नेब ये प्रश्न उठू गुरुतर रोगी कौन कर बर्तमान ये कहले पार ये डेलीवरी तुम सीजरी हो गया कटक जावाई ना प्राइवेट मेडिकल को नहीं जाओ मुझे देखनी प्राइवेट मेडिकल बर नहीं जिमी प्राइवेट मेडिकल नाला से कहे ब्लड दरकार ब्लड जेहतु से सुविधा ना ये गवर्नमेंट को पठेल मुझे आसनी बर्तमान ये कह कथा कि ब्लड तुम दब ब्लड एक्सचेंज करके तुम नहीं पार मुझ बर्तमान ब्लड मुझी निजे दे कि फेर ब्लड नहीं जिमी आ गचित ना मना कर गचित ना ब्लड एमरजेन्सी केस हेले ब्लड जब तुम निजे डोनेट करके दे कि नहीं पार पेसेंट बचो ना ना ये देवे ना पेसेंट मरवा फाइलान मुझे जो पेसेंट ऊपर को नहीं गए ब्लड सर्ट बुल्कि पलि आसनी पलि आसला भितर रिपोर्ट आसापर ये बचला बेलू ब्लड देना ब्लड ना ब्लड आपड़ दे ब्लड आपको दिहब मुझे ब्लड आईना ना कौट जगह लोक जोजोग करजे दिं सब दे ब्लड दमु मुझे दि घंटा है बसी एपट सेपट करोगाजोग करुच्छी शुणु ब्लड तो जड़े नापी हमें गोटे एक्सचेज करने पड़ो गोटे ब्लड दे जे तार बदल रक्त पाइब कितु जेहतु आम क्या हेल्ले आम स्टक् आम सेम विदाउट एक्सचेज देदेव कि बर्तमान लास्ट वन मंथ हम कौन क्या ना इलेक्शन क्या भी होनी कि भलेंटियर अर्गानाइजेसन कहीं भी क्या करना तेणु ब्लड तो स्टक् ना आम दबू कमी तेणु एक्सचेज कले ही देवा पड़ो जीवन बिंदु बर्तमान लास्ट टू मंथ हम पूरा बंद अच्छे प्रोग्राम परमेश्वर बेहरिया जाजपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ बाबद आलोचना करवा परमेश्वर ये जाजपुर जी जाजपुर मुख्य चिकित्सालय चित्र सामना को आसुची अजब लगुच एकदम देखूँ जे रही ब्लड बैंक अधिकारी से कहते जे रक्त दब सी रक्त नब ये प्रश्न आसुची जदि जीवन बिंदु कार्यक्रम करा रक्त समस्ते दे
किंतु एपटे जदि जो गुरुतर रोगीटी आसीबो जदि से ब्लड दबो एबो परवर्ती समय ब्लड नबो से प्रकृत केते समय तक अपेक्षा करबाको पड़िबो सते मुक्त जणकर मृत्यु इसार थिबो निश्चित भावे निवेदिता ये होची जाजपुर जिलार जो मुख्य चिकित्सा रही मुख्य चिकित्सा भितर ओडिशा ब्लड बैंक रही जो थे ब्लड गच्छित रखा जाए एवं जो गुरुतर रोगी मैंने आसती से रक्त दि जाए मु देखे चाहिए हूँ जाजपुर मुख्य चिकित्सा दृश्य और ता भर रही जो ब्लड बैंक दृश्य जोटि गत काली आम किसी खबर पाई जे किसी गुरुतर रोगी आसी मेडिकल भर्ती होगापी से रक्त मिलूनी सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जाजपुर भली गोटे जिला जोटि कलिंगन शिल्पांचल रही जो शिल्पांचल अनेक श्रमिक शिल्प कलकारखाना काम करनेक समय से गुरुतर भाव में समय दुर्घटनार शिकार होता बड़ बड़ दुर्घटना एनएच जेहेतु एनएच 16 जा दुर्घटनार लोक मैंने शिकार होता सीधा सड़क भाव में जाजपुर मुख्य चिकित्सा को आसता कितु गत काली जो दृश्य आम देखीलु ब्लड बैंक को जितेबाद रोगी मैंने आसी ब्लड से कौटना कौटी रक्त मिलवा गोटे प्रकार बाधाप्राप्त होता अर्थात से गुरुतर रोगी आसते मानकर जो संपर्क मानकर कहिबार कथा थिला जे आमे रक्त देले आमको रक्त बदल रक्त मिलिबो किंतु गच्छित रक्त नाही जेहेतु गुरुतर रोगी माने आसुछंती एठाकु सेमानकु निश्चित भाबे सरकारक पक्षरु जे जीवन बिंदु कार्यक्रम माध्यमरे रक्त जोगाइबार व्यवस्था करा जायछि किंतु बड़ दुर्भाग्यर विषय एठी दीर्घ गोटे मासरु दुई मास धरि के एठी रक्त गच्छित नाही एवं जो रोगी माने एठाकु आसुछंती सेमाने विभिन्न समस्या दे गति करुछंती अर्थात जदि आमे कहि परिबा जो रोगी मानक कथा कहुछंती आमे जो मानकर आवश्यक पड़ुछि कारण अनेक गर्भवती महिला जितेबाड़े से अस्त्रोपचार करा जाए डेलीवरी समय से रक्तर आवश्यकता होता है कि जो पेसेंट को संपर्क मान कहवा कथा जे आम कौली कंडीशन में थी जो रोगी नहीं कि आसो कि रक्त भंडार रक्त नहीं तो ये नहीं कि अधिक लोक आम सहित अच्छा स्थानीय बासिंदा अच्छा आलोचना करवा आज्ञा जो घटना आम देखु जाजपुर जो रक्त भंडार रही ओडिशा रक्त भंडार से बर्तमान रक्त मिलूनी रोगी टीए रक्त देने नब गुरुतर रोगी कथा तो न कह भल तो कौन कहे जाजपुर जिला स्वास्थ्य विभाग जो ये गोटे नग्न चित्र जे सरकार जो करते जीवन बिंदु जो प्रोग्राम करते जीवन बिंदु जो रक्त संग्रहित हो रोच प्रत्येक हेडक्वाटर रोचे रक्त संग्रहित हो ब्लड बैंक संग्रहित हो रोचे कितु से रक्त जाऊँगी कुआडे सी भी एखुनी गोटे प्रश्न उठिला जाजपुर जिलावासी मन में गोटे प्रश्न उठिला से रक्त कौटी जा आ ये जो सरकार जो कौन आज जारी गोटे कलकारखाना आरंभ करी विभिन्न सहर जो डेवलपमेंट कम चलू जी कौन किए आहत है किए आघातप्राप्त है कि कौन है रक्त आवश्यक पड़ा सी तो अकाल मृत्युवरण कर संभावना देखाई आउ गोटे कथा रोचे जो गुरुतर रोगी मैंने आसुच्च कारण अनेक जिला और जिला बाहर केन्द्रापड़ा भद्रक एसबू जिलावासी जाजपुर मुख्य चिकित्सालय पर निर्भर करुँचक गुरुतर रोगी आसान जिते आसुच्च रक्त टे पाइबे कौ अवस्था दी गति करें निश्चित भाव में गोटे मानते गोटे अत्यंत जटिलकर पिस्थित देखिए जाजपुर जिलार स्वास्थ्य विभाग गर्ती करुच्ची रक्त संग्रहित हो ना कि गोटे हठात गोटे रोगी आसिक जदि दरकार पड़ा रक्त सी रक्त पाइबनि साधारण लोक जीवन टी अकाल चली जीव ठीक संभावना से भाया सृष्टि होने सरकार कौन सी भी पदक्षेप नौना ये केवल धर्म को आखिधार गोटे जीवन बिंदु भाई गोटे प्रोग्राम गोटे सरकार करुले से प्रोग्राम केवल प्रचार सर्वस्व था से प्रोग्राम कौन सी तार लोकों पाखे सुफल से प्रोग्राम पहुंची पा केवल प्रचार सर्वस्व जहाँ स्थानीय बासिंदा मध्य परमेश्वर कहते प्रतिक्रिया आम शुणु परमेश्वर जदि प्रकृत में राज्य सरकार जीवन बिंदु कार्यक्रम करुछंती प्रत्येक हेडक्वार्टर रे ब्लड गच्छित अच्छे एक कहुचे देखुचे विभिन्न स्थान में क्या भी पड़ू चित्र भी आम देखाई कि ब्लड कहीं अभाव पड़ू जदि गुरुतर रोगी टे जी ब्लड नाले से रोगी अवस्था कौन हम मृत्यु मुख्य को तो मृत्यु पड़ा को तो एड़ा जाए नपे बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर बेहरी आम जाजपुर प्रतिनिधि खबर बाबद सूचना देते पीसी लड़े पीसी पोखरी नेता कांदुची जनता लोकों शोषी मालेमाल ठिकादार आज जेई जल संपद और ग्राम्य उन्नयन विभाग में शिखर छुई दुर्नीति साधारण लोकों झाड़ भुआ अर्थ से ठिकादार और जेई लगाऊँ चून गोटे स्थान में जेई देखा नालियाखी आउ गोटे स्थान में सरकारी बाबू मुहरे तुंडी एटी जल संपद विभाग काम चलता बेले काम होम्न मानर मटी और बाली कल तैयारी जल संपद विभाग काम केन्द्रापड़ा जल संपद ग्राम्य उन्नयन दुर्नीति पर प्रशासन भांगी चिन्हित केन्द्रापड़ा जिलापाल कहते घटनारे नियाजिबो कार्यानुष्ठान एने आज बसुची गुरुत्वपूर्ण बैठक ए बैठक में कौन आलोचना हेबो एवं कहा विरोध में कार्यानुष्ठान नियाजिबो ता देखिबा को बाकी रही
अधिक आलोचना करबा हम प्रतिनिधि प्रभात लेंकाम सहित फोन लाइन चके जोडै छथि। प्रभात, आज बैठक बसिब अपेक्षा जे बैठक रे प्रकृति रे कोन आलोचना आउछि? बड़ जिलापाल कहउछन्ति जे दुर्नीति कहउछन् ताक विरुद्ध एक्शन नै आजु एक्शन हेबो लागुछि आपनकु। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେ କହିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ସମାନ ସମାନ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଯଦି ରହିଛି ପାଟନଳୀ କେନାଲ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଆମର ଗୋପ ପରେ ପରେ ରହିଛି ବସ୍ପୁର, ବସ୍ପୁର ଦୁଇଟି କେନାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କହିବା ୱାନ୍ କାମ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏକ ପରିସୀମାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରେ ଆଜି ବାରଟା ସମୟରେ ବୈଠକ ବସିବାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଦୁଇଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଠିକି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ରହଣୀୟତା, କେତେ ଦୂର ରହିଛି ତଦନ୍ତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏବେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେବେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଦୁଇଟି ନିୟମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ରହିଛି ତଦନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାନିଛନ୍ତି। ନିହାତି ପ୍ରଭାତ, ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯୋଉ କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେ କେତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଜ କଥାରେ ଏବଂ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି, ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ଖବର ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠୁ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।